इसमें जो लिखा हुआ है मिथुन रॉय, ये इसने देखो भाई साहब कितनी सारी चीज़ें रखी है, हदी कर रखी है भयंकर। पेड़ों से सराबोर भाई साहब, मज़े ही आ गए। आज के टाइम में इतने पेड़ एक साथ देख लो तो हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ जानवर दौड़ रहे हैं हाईवे पे, अभी भी बस के पीछे, और ये भी, और यहाँ भी किच्छा में भी है जा पीजा, सितारगंज में तो दिखाई चुके हैं आपको। और ये है अनुपम सिनेप्लेक्स, यहाँ लगी है गदर 2 भाई साहब, ये 11 तारीख से लगी हुई है और आज 30 तारीख है, काफ़ी टाइम से लगी है, रिकॉर्ड तोड़ेगी ये भी पहले वाले की तरह। तो कल से क्लिक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी पोज देनी है, कपड़ों के साथ या बिना कपड़ों के सलमान खान पोज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज एक और नया दिन और एक और नया स्ट्रगल। आज है 30 अगस्त और हमारा 26, 27, 28, 29, 30 चौथा टास्क का चौथा दिन। सो, आज हो गया हूँ मैं काफ़ी लेट, क्योंकि कल हो गई थी ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज और हाथ पैर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है यार। कल जितना हो रहा था उससे ज़्यादा हो रहा है आज, और सबसे ज़्यादा तो हो रहा है थाइज़ में सबसे ज़्यादा हो रहा है। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना तो पेनफुल है ही, उतरना उससे ज़्यादा पेनफुल है। खैर, लेकिन मज़े आ रहे हैं। तो आज ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो आज ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाऊँगा, नहीं तो लेट हो जाऊँगा। तो ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हाँ आज खाली रनिंग करेंगे और बाकी हमारे पास टाइम है खाली आज 20 मिनट्स 25 मिनट्स के अराउंड, और रोज़ लगभग 40-45 मिनट रहते हैं, तो आराम से देर तक कर सकते हैं एक्सरसाइज और दूर तक जा सकते हैं। तो आज हम उस जगह पे नहीं जा रहे जिस जगह डेली आते थे, आज नई जगह हाईवे पे खाली वॉक करके और थोड़ा रन करके वार्म अप करके आ जाइए। आज थोड़ा हैवी एक्सरसाइज थोड़ा कम करते हैं, लेकिन पैर जवाब दे रहे हैं। और किस बात का जवाब दे रहे हैं, हमारे क्वेश्चन बड़े टफ हैं। ठीक है, तो चलो पहले थोड़ी रनिंग कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो आज जा रहे हैं हम शहर के अंदर और रोज़ हम जाते हैं शहर के बाहर। ये देखो ये क्या गिरे हुए हैं, ये है इस पहाड़ के पेड़ के, यहाँ लगी हुई है ड्रीम गर्ल 2 और ये है अनुपम सिनेप्लेक्स, यहाँ लगी है गदर 2 भाई साहब, ये 11 तारीख से लगी हुई है और आज 30 तारीख है, काफ़ी टाइम से लगी है, रिकॉर्ड तोड़ेगी ये भी पहले वाले की तरह। बस स्टैंड लगभग डेढ़ किलोमीटर है मेरे घर से, और इस डेढ़ किलोमीटर में 1 किलोमीटर रनिंग, 500 मीटर वॉकिंग। तो हाफ तो अभी भी चढ़ रही है, हाँ लेकिन कल से बेटर है, परसों से बेटर है। क्यों? क्योंकि पहले तो 100 मीटर दौड़ने में ही रेस्ट लेने की जरूरत पड़ती थी, रुक जाओ और हाफ ज़्यादा चढ़ती थी। फिलहाल कल परसों से बेटर है, आज की रनिंग में हाँ थोड़ी कम है, और धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और ये है बस स्टैंड किच्छा, इस वक्त ये भवाली डिपो की बस जा रही है, ये है चौराहा, यहाँ का पहुँच चुके हैं चौराहे पे, और वापस सोच रहा हूँ इसी रूट से ना जाए, किसी नए रास्ते से जाएं। ये है चौराहा, इधर से सीधे जाते थे हल्द्वानी के लिए, और जिधर मैं जा रहा हूँ फिलहाल ये रोड जाती है रुद्रपुर, और यहाँ जो किच्छा की नई मार्केट बनी है वो इसी साइड बनी है, जो ये है सारी। और यहाँ भी किच्छा में भी है जा पीजा, सितारगंज में तो दिखाई चुके हैं आपको, और ये है पंजाबी चूल्हा, नया खुला है कोई, इसको भी दिखाते हैं क्या है पंजाबी चूल्हा, वो अभी भी खुला हुआ है, गुड। एक्सिस बैंक भी है यहाँ पे भाई साहब, यहाँ जानवर दौड़ रहे हैं हाईवे पे, अभी भी बस के पीछे,
और ये भी। तो आज की मॉर्निंग वीडियो में हमने खाली रनिंग की है, बाकी एक्सरसाइज अभी नहीं की है क्योंकि टाइम कम है, तो खाली दौड़ दौड़ के घर पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी, और घर से दौड़ के ही आए थे। तो ये मत समझना कि खाली आज ब्लॉग बना हुआ है, एक्सरसाइज नहीं की है। एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, मैं फ़ोन लेके दौड़ तो सकता हूँ लेकिन इस फ़ोन की स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैंने एक बार ट्राई किया था इसको लेके अगर दौड़ता हूँ तो वीडियो इतनी हिलती है ऐसे ऐसे देखो, तो स्टेबलाइजेशन इतनी मस्त नहीं है कि दौड़ते हुए वीडियो बना सकूँ खुद की। और इसका कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं फिर, और जब स्टेबलाइजेशन अच्छी होगी या फिर कोई और मिलेगा जो कैप्चर कर पाएगा मेरे एफर्ट को तो ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, तो खाली आज हमने क्या किया है, आज खाली रनिंग की है। ओके, तो जो जो मेरे साथ इस रूटीन पे चलना चाहते हैं उनके लिए मैंने लास्ट ब्लॉग में ही बोला था कि रन विद मी इस टाइप का कुछ क्रिएट करते हैं। इस पे भी काम चल रहा है, जैसे पूरा होगा आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आप पार्टिसिपेट करो ना करो, लेकिन मॉर्निंग रूटीन हमेशा रनिंग का बनाओ बनाओ, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता बॉडी के लिए, क्योंकि ऑलवेज हेल्थ फर्स्ट। हाँ, पेड़ों से सराबोर भाई साहब, मज़े ही आ गए। आज के टाइम में इतने पेड़ एक साथ देख लो तो हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन और इतने पेड़ देखने को कम ही मिलते हैं। वाह, और ये रास्ता भी थोड़ा अजीब टाइप का ही है, अजीब टाइप मतलब अच्छा टाइप का है, शहर में मिलता नहीं है इतने पेड़ और साइड से रास्ता बनाओ, पहाड़ों में मिलता देखने को। ओके, तो मस्त इसमें क्या है, इतने सारे पेड़ है, जल्दी सांस ले लो, डीप ब्रीथ। और बिल्कुल उन्होंने क्या कर रखा है, पेड़ों की दीवार बना रखी है, पार तुम देख नहीं सकते, ये देखो इसके पार दिखेगा नहीं तुम्हें। और इधर भी क्या है, इधर भी खेत है, वाह ऊपर तक, और नीचे तो वैंग पूरी दीवार बनी हुई है, तो ओवरऑल आएंगे धांसू है। इतनी सारी ग्रीनरी देख के ना खुशी खुशी से दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर होनी चाहिए ग्रीनरी यार, बहुत ज़रूरी है। दिखाता हूँ मैं, ये जो रॉय क्लासेस का बोर्ड लगा है इसको ध्यान से देखो, इसमें जो लिखा हुआ है मिथुन रॉय, ये इसने देखो भाई साहब कितनी सारी चीज़ें कर रखी है, हदी कर रखी है, अगर इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं और कुछ ज़्यादा ही कर रखा है। ये वाला घर देखो कितना मस्त हो रहा है, एकदम जंगल कैफे की तरह, पेड़ ही पेड़, ग्रीनरी ग्रीनरी, गमले लटका रखे हैं पूरे। पहुँच चुके हैं आवास क्लास में, यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर है खाली, और टाइम हो चुका है 6:30, काफ़ी काफ़ी लेट। ओके, अदरवाइज 6:15 पे वापस मुझे घर पहुँच जाना चाहिए ताकि आधे घंटे का मैं कूल डाउन कर सकूँ बॉडी को, फिर नहाने धोने जाओ और कुछ अच्छा खा सकूँ, पढ़ सकूँ। बट आज ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, पढ़ना नहीं हो पाएगा, कूल डाउन ज़्यादा देर का नहीं होगा, खाना भी कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि बॉडी बड़ी पेन कर रही थी, तो 10 मिनट लेट उठा, इस चक्कर में सारी चीज़ें 20-20 मिनट लेट हो गई। तो फ़िलहाल मॉर्निंग में आज का रूटीन खाली रनिंग का था और किसी का ज़्यादा चक्कर नहीं था। उसका योगा सेंटर आरोग्य, अब यहाँ तो रोड घेर के बैठा हुआ है, ये जाऊँ या नहीं जाऊँ। जग गया वैंगर, और मैं जा रहा हूँ दूसरे रूट से, सही में बड़ा डेंजर है यार, इतने बड़े सींग है, पूरी रास्ता घिर के बैठा हुआ था। और अभी मॉर्निंग में मैं सांड और गाय की लड़ाई देख के आ रहा हूँ, गाय सांड ये आपस में लड़ रहे थे वहाँ पे, तो थोड़ा सा और डर बैठ गया है इसलिए वापस आ गया, नहीं तो जनरली चले जाता हूँ। तो भाई इनसे बच के रहो, हम दूसरी गली से जा रहे हैं अब, क्योंकि एक दो वीडियो भी मैंने देखे हैं इससे रिलेटेड कि भाई साहब सांड की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है, वो बाइक कार वार और कुछ नहीं देखते इधर उधर, तो वो वीडियो की वजह से और आज मॉर्निंग में अभी जो देखा मैंने उसकी वजह से थोड़ा सा डर बैठ गया, और तुरंत वो मिल गया तो फिर खुद को रोक ही लो, बढ़िया ही है वो। चलो तो इस बहाने 100 मीटर और 50 मीटर और एक्स्ट्रा चल लो। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आया है तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, और बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस हम पहुंच चुके अपने घर, और
एक सजेशन चाहिए था आपसे, वो ये कि 75 डेज चैलेंज में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिससे हम क्या करेंगे उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती है तो इंक्लूड कर सकते हैं, और लगेगा कोई बेस्ट पॉइंट है तो इंक्लूड करेंगे, और नहीं तो फिर जो फ़िलहाल हमने डिसाइड किया हुआ वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हम ऐड कर सकते हैं कुछ। और दूसरी बात ये कि हाँ, एक चीज़ मैं भी मिस आउट कर रहा था कि अपने बॉडी की ऑब्जर्वेशन, दूसरी क्या 75 डेज में एक क्लिक द पिक्चर, हाँ ये भी रखते हैं, तो कल से क्लिक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी पोज देनी है, कपड़ों के साथ या बिना कपड़ों के, सलमान खान पोज। ओके, तो ये ऐड कर लेंगे। अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है कि ऐड होना चाहिए और जिससे फ़ायदा हो और देखने वालों को भी और मुझे भी, तो ज़रूर बताएं कमेंट में, और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।